हेलो फ्रेंड्स फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री कंसेप्ट में दोस्तों आज की वीडियो में हम इसरो फार्मासिस्ट एग्जाम पेपर का पार्ट थ्री देखेंगे जो कि 7 नवंबर 2021 को हुआ था वीडियो को अंत तक देखें जिससे कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके वीडियो के अंत में आपसे एक गोल्डन क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें दोस्तों आपका एक लाइक या एक कमेंट हमारे अंदर फिर से नए टॉपिक बनाने के लिए हमें एक नई एनर्जी प्रोवाइड करता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें गोल्डन क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। तो चलिए यहां से आज कुछ नया सीखते हैं दोस्तों आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन और इस पेपर का सिक्सटी वन क्वेश्चन है द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू ऑप्शन ए ग्लाइकोलाइसिस, ऑप्शन बी ग्लूकोजेनेसिस ऑप्शन सी ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ऑप्शन डी टी साइकिल तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी कि ग्लाइकोलाइसिस दोस्तों अगर आप इन सभी क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन सहित आंसर देखना चाहते हैं तो हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि हमारी वेबसाइट डब्ल्यू पर मिलेगी जिसका एक नॉमिनल चार्ज है और ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक्स इज इंक्लूडेड इन ऑप्शन ए शेड्यूल पी ऑप्शन बी शेड्यूल टी ऑप्शन सी शेड्यूल एस एंड ऑप्शन बी शेड्यूल एफ तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी कि शेड्यूल एस अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री पुअरली टैबलेट्स टेबलेट्स हैव स्मॉल होल्स ऑन द सर्फेस एंड दिस इज कॉल्ड यानी ऐसी टैबलेट्स जो कि पुअरली मैन्युफैक्चर्ड है और उनकी सरफेस में छोटे छोटे पिनहोल है तो इस तरीके के डिफेक्ट को क्या कहेंगे ऑप्शन है मोटलिंग ऑप्शन बी पिकिंग ऑप्शन सी लीचिंग एंड ऑप्शन डी क्रैकिंग तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी कि पिकिंग दोस्तों तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने इसरो फार्मासिस्ट एग्जाम पेपर के पार्ट वन और पार्ट टू में सिक्सटी क्वेश्चंस को डिस्कस कर रखा है अगर आप उनको भी देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में आ रही लिंक पर क्लिक कर सकते हैं या फिर हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई आप प्ले को ओपन करके भी देख सकते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी द बायो अवेलेबिलिटी रेफर्स टू ऑप्शन ए रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए ड्रग एंड इट्स सिस्टमिक एब्जो Option B, movement of drug into body tissue over time. ऑप्शन सिक्स डिजोल्यूशन ऑफ ए ड्रग इन द गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड ऑप्शन डी मेजरमेंट ऑफ़ द रेट एंड अमाउंट ऑफ थेरेप्यूटिकली एक्टिव ड्रग दैट डेट द दिस्टमिक सर्कुलेशन तो दोस्तों हमने फार्माकोलॉजी के जनरल इंट्रोडक्शन में बायोबिलिटी के बारे में बता रखा है अगर आप फार्माकोलॉजी से रिलेटेड भी कुछ वीडियोस देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में हमारे लिंक पर क्लिक कर सकते हैं या फिर हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई फार्माकोलॉजी की प्लेलिस्ट को ओपन करके देख सकते हैं जहाँ पर आपको लगभग साठ से भी ज़्यादा वीडियोज़ मिल जाएंगे तो दोस्तों इसका

ऑप्शन सी लिक्विड पैराफिन एंड ऑप्शन डी स्पांस तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी कि इस्पांस दोस्तों स्पांस और ट्रविनस दोनों ही आपके नॉन आयोनिक एमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं जबकि जितने कितने भी क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि सिटाइल पारिडेनियम कंपाउंड तो ये आपका केटायमिक एमल्सिफाइंग एजेंट रहता है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स रोटोवे इज यूज टू मेजर ऑप्शन ए रोटेशन स्पीड ऑफ कैप्सूल ऑप्शन बी वेट ऑफ कैप्सूल्स ऑप्शन सी सॉर्टिंग स्पीड ऑफ कैप्सूल्स एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अब तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी कि वेट ऑफ कैप्सूल्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन सोलिड फैट इंडेक्स इज डिटरमाइंड बाई ऑप्शन ए पोटेंशियोमेट्री ऑप्शन बी एम्पेरोमेट्रिक टाइट्रेशन ऑप्शन सी वोल्टामेट्री एंड ऑप्शन डी डायलेटोमेट्री तो दोस्तों जो सॉलिड फेड इंडेक्स होता है यानी कि एस एफ आई इसको डायलेटोमेट्री से डिटरमाइन किया जाता है तो यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन डी रहेगा अगला क्वेश्चन देखते हैं अर्गोटॉक्सिन कंटेंस ऑप्शन ए अर्गोक्रिप्टीन ऑप्शन बी अर्गोक्रिस्टीन ऑप्शन सी अर्गोकोर्निन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबो तो दोस्तों जो अर्गोट एल्कोलाइड से दो तरीके के हमें एल्कोलॉयड प्राप्त होते हैं एक तो होता है वाटर सोल्युबल एल्कोलॉइड्स और एक होता है वाटर इनसोल्यूबल एल्कोलॉइड तो दोस्तों इसमें अर्गोटॉक्सिन है वो वाटर इन सोलिबल एल्कोलॉयड है इसके अंदर सिक्स डेरेवेटिव रहते हैं जैसे कि अर्गोक्रिप्टीन एंड अर्गोक्रिप्टिन अर्गोक्रिस्टीन एंड अर्गोक्रिस्टिनीन अर्गोकोर्निन एंड अर्गो तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी कि ऑल ऑफ द अबाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन द पार्टिकल विच आर डीपली बॉन्डेड सेटल रेपिडली इजीली री डिसपर्सिबल आर नॉन एज ऑप्शन ए कोल्स ऑप्शन डी डी फ्लोक्यूल्स ऑप्शन सी फ्लोक्यूल्स एंड ऑप्शन बी सेडिमेंट्स तो दोस्तों जो सस्पेंसन होता है उसके अंदर क्या होते हैं कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं जो कि डीपली बोंडेड होते हैं बहुत ही फास्टली रैपिडली सेटल डाउन होते हैं बाकी अगर उनको थोड़ा सा भी हिलाया जाए तो ईजिली रीडिस्पर्स हो जाते हैं तो ऐसे सस्पेंशन को ही हम फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन कहते हैं तो ऐसे पार्टिकल्स हमारे फ्लोक्यूल्स कहलाएंगे तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी कि फ्लोक्यूल्स अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवनटी लिक्विड पैराफिन इज ऑफ ऑप्शन ए एनिमल ओरिजन ऑप्शन बी मिनरल ओरिजन ऑप्शन सी सिंथेटिक ओरिजन एंड ऑप्शन डी सेमी सिंथेटिक ओरिजन तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी कि मिनरल ओरिजन अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन द टर्म एम यानी कि मल्टी ड्रग थेरेपी इज रिलेटेड टू ऑप्शन ए लेप्रोशी ऑप्शन बी ट्यूबरकुलोसिस ऑप्शन सी अमीबियासिस एंड ऑप्शन डी जी तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूज क्रिएट करने वाला है और यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी कि लेप्रोशी दोस्तों अगर हम बात करें एम यानी कि मल्टी ड्रग थेरेपी की तो ये आपकी लेप्रोसी से रिलेटेड है जिसको 1981 में डब्ल्यू एच ओ ने स्टार्ट किया था दोस्तों अगर हम बात करें अगर एम डी आर की यानी कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस की तो वो आपकी ट्यूबरकोसिस से रिलेटेड होती है तो अगर एम डी टी पूछा जाए तो आपको लेप्रोसी आंसर करना है और अगर एम डी आर पूछा जाए तो ट्यूबरकोसिस आंसर करना है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू डाईहाइड्रोपिरीडीन रिंग कंटेनिंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इज ऑप्शन ए वेरा पेमिल ऑप्शन बी डिल्टिया ऑप्शन सी निफेडिपिन एंड ऑप्शन डी लोसार्टन तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी कि निफेडिपिन अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री टू प्रिवेंट आइसोनियाजाइड हाइड्रोक्साइड इंड्यूस्ड न्यूरोटॉक्सिसिटी इट इज गिवन एलोंग विथ इट इनमें से कौन सा एक सब्सटेंस आइसोनियाजाइड के साथ में दिया जाता है जिससे कि आयोसोनियाजाइड इंड्यूस्ड न्यूरोटॉक्सिसिटी से बचा जा सके और ऑप्शन है आपके ऑप्शन ए पायरिडोक्सिन ऑप्शन बी नियासिन ऑप्शन सी साइनोकोबालीन एंड ऑप्शन डी राइबोफ्लेविन तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी कि पायरीडोक्सिन दोस्तों जब कभी भी आइसोनियाड दिया जाता है तो उसके साथ में पायरीडोक्सिन को कॉम्बिनेशन में दिया जाता है जिससे कि न्यूरोटॉक्सिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो सके अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर एंडोटॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग बैक्टीरिया एक्सेप्ट ऑप्शन ए साल्मोनेला टाइफी ऑप्शन बी बोडिटेला पर्टुएसिस, ऑप्शन सी यसिनिया पेस्टिस एंड ऑप्शन डी क्लोस्ट्रीडियम टेटनी तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी कि क्लोस्ट्रीडियम टेटनी अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव द ड्रग एमिकेसिन इज डिराइड फ्रॉम ऑप्शन ए केनामाइसिन ऑप्शन बी सीसोमाइसिन ऑप्शन सी जेंटामाइसिन एंड ऑप्शन डी नियोमाइसिन तो दोस्तों एमिकैसिन होता है वो आपका केनामाइसिन का ही डेरिवेटिव होता है तो इसलिए आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी कि केना माइसिन अगला क्वेश्चन देखते हैं द फिनोमिना ऑफ रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए ड्रग रिजल्टिंग इन सेल रिसेप्टर ब्लॉक इज नॉन एज ऐसा फिनोमिना जिसमें अगर किसी ड्रग को बार बार दिया जाए तो सेल के रिसेप्टर ब्लॉक होने के चांसेस रहते हैं तो इस तरीके के फिनोमिना को क्या कहा जाता है ऑप्शन है टेकिफाइलिस ऑप्शन बी आईबियोसिनक्रेसी ऑप्शन सी टॉलरेंस एंड ऑप्शन डी सिनर्ज्म तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी कि टेकिफाइलक्सिस अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन बाल इज़ यूज अगेंस्ट विच मेटल पॉइजनिंग यहाँ पे बी ए एल दे रखा है बी ए एल का मतलब हो गया आपका ब्रिटिश एंटी लेविशाइड जिसे हम डाई मर्केप्रोन भी कहते हैं दोस्तों इसका यूज कौन सी मेटल पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट में किया जाता है ऑप्शन है ऑप्शन ए कॉपर ऑप्शन बी साइनाइट ऑप्शन सी मरकरी एंड ऑप्शन बी आयरन तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी कि मरकरी अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। इन ओरल हाइपोक्लाइसिमिक एजेंट विच इज ए डाई पेप्टाइडिल पेप्टाइडिस फोर इनिबिटर इज ऑप्शन ए पायोग्लिटाजोन ऑप्शन बी सीटाग्लिप्टीन ऑप्शन सी लीरा ग्लुटाइड एंड ऑप्शन डी एम्पा ग्लिफाजोन तो दोस्तों यहाँ पे डाईपेप्टल पाइपटाइडल फोर इनिबेटर होते हैं बस जितने कितने भी ग्लिप्टिन होते हैं वो होंगे तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी कि सीटा क्लिप्टीन अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन ए लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए ड्रग इंडिकेट अगर किसी ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम है तो इसका क्या मतलब होता है ऑप्शन ए शॉर्ट बायोलॉजिकल लाइफ ऑप्शन बी डज नॉट एक्यूमलेट इन वेरियस ऑर्गन ऑप्शन सी नॉट बायो अवेलेबल एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबो तो दोस्तों ऐसी ड्रग जिसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होता है तो इसका मतलब वो टिश्यू के अंदर कम जाके बाइंड हो रही है तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इट मीन्स डज नॉट एक्यूमलेट इन वेरियस ऑर्गन और अगर किसी ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है तो इसका मतलब वो ऑर्गन के अंदर जाके ज़्यादा बाइंड हो रही है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर एटी द मिनरल डेफिशेंट इन इज ऐसा कौन सा मिनरल है जो कि मिल्क के अंदर डेफिशियंट रहता है कम रहता है ऑप्शन है फॉस्फरस ऑप्शन बी सोडियम ऑप्शन सी पोटेशियम एंड ऑप्शन डी आयरन तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी कि आयरन तो फ्रेंड्स अब वक्त आ गया है आज के गोल्डन क्वेश्चन का एंड द गोल्डन क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनाटोमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर इनमें से कौन सा एक ईयर का एनाटोमिकल स्ट्रक्चर नहीं है ऑप्शन ए टिम्पेनिक मेम्ब्रेन ऑप्शन बी सेमी सर्कुलर कैनाल्स ऑप्शन सी ऑलफैक्ट्री ऑर्गन्स एंड ऑप्शन डी कोकलिया तो दोस्तों इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें तथा साथ ही आइकन दबा दें जिससे आने वाले सभी वीडियोज आपको सही समय पर मिलते रहें मैं राम प्रकाश प्रजापति आपसे फिर मुलाकात करूँगा एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम एंड थैंक्स